हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं शौकीन, और दोस्तों आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल शौकीन मेरा। दोस्त, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपने फ्लिपकार्ट से जो भी अपन ने ऑर्डर किया था और वो टाइम पे नहीं आया तो कैसे, क्या शिकायत करें, कैसे कस्टमर केयर से बात करें। तो दोस्तों मैं वो सारा कुछ प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जस्ट दोस्त, मैं आप ओपन कर लेता हूँ अपना फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ओपन करने के बाद दोस्तों अपन को करना क्या है, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना। जो दोस्तों आपको ये थ्री तीन लाइन दिख रही है इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद दोस्तों अपन को यहाँ पे चले जाना मेरे ऑर्डर। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पे इंग्लिश में होगा तो माई ऑर्डर लिखा हुआ आएगा, हिंदी में होगा तो मेरा ऑर्डर। तो दोस्तों मैंने जो ऑर्डर किया था और दोस्तों आज मेरा वो ऑर्डर नहीं पहुंचा। और दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों 30 दिसंबर गुरुवार को दिन 9:43 PM पे, मतलब यानी कि शाम को मैं अब कस्टमर केयर से बात करने के लिए जा रहा हूं। तो दोस्तों अपन को मेरे ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं और दोस्तों इसको खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे दोस्तों ये खुल जाएगा, जैसे दोस्तों ये खुलेगा उसी उस टाइम अपने यहाँ पे आ जाएगा। जैसे दोस्तों ये M1 माइक का दोस्तों मैंने ऑर्डर दिया था और दोस्तों यहाँ पे लिखा आ रहा आज डिलीवरी किया जाएगा। तो दोस्तों मेरे आज मेरा यहाँ पे ये नहीं पहुँचा और दोस्तों मैं इसे कस्टमर केयर से या कोई भी मैसेज करके मैं इसे रद्द कैसे करूँगा या फिर कस्टमर केयर से बात कैसे करूँगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला। जैसे दोस्तों अपन को यहाँ पर टैप करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर टैप करेंगे अपन, यहाँ पे अपना ऑर्डर दिखा रहा है। जैसे दोस्तों ऑर्डर दिया था 24 दिसंबर को और दोस्तों यहाँ से भेज दिया गया। अब दोस्तों डिलीवरी के लिए रवाना हो चुका है। तो दोस्तों मेरे यहाँ पे आइटम नहीं पहुँचा, जो दोस्तों आज की मेरे डेट दे रखी थी उस डेट को मेरा नहीं पहुँचा। तो दोस्तों मैं अब यहाँ पर करूँगा कि कस्टमर केयर से बात करूँगा। तो दोस्तों आपके यहाँ पर मेरे हिंदी में लिखा आ रहा मदद चाहिए और दोस्तों आपके यहाँ पर लिखा हुआ आएगा हेल्प। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मुझे मदद चाहिए। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे इसे पढ़ सकते हो। 12 भाषाओं में कॉल बैक प्रदान करते कृपया उपलब्ध विकल्प चुने। तो दोस्तों अपन को यहाँ पे क्या करना, कोई भी मैसेज लिख देना। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता कॉल मी, फिर इस पर टैप कर देना। उसके बाद दोस्तों अपन को यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते, कॉल अनुरोध, मेरा ऑर्डर पे जाए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कॉल अनुरोध करूँगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने सामने बहुत सारी यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई आ जाएगी। तो दोस्तों अपन को करना क्या है, इंग्लिश में बात करना है तो उस यहाँ पे क्लिक करें, हिंदी में, कन्नड़, तेलुगु। दोस्तों अपन को यहाँ पर बहुत सारी भाषाएँ मिल जाएगी, मैं हिंदी में बात करूँगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे कितने टाइम में कॉल आना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अगले 11 मिनट पर कर देता हूँ। जैसे दोस्तों अगले 11 मिनट पे करेंगे तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों अपन 11 मिनट बाद अपने पास एक फ्लिपकार्ट से कॉल आएगा और दोस्तों अपन जो भी ऑर्डर दे उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप के वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।